खाने से हम खांसी आती है। कल आपने देखे होंगे क्रिकेट मैच में कि श्रीलंकन खिलाड़ी कहने लगे हम खेल नहीं सकेंगे, पर 11 खिलाड़ी कोटला पे आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इतनी बुरी हवा में कैसे हम खेलेंगे, लंग कैपेसिटी के होंगे हमारे। तो जब हालत इतनी बुरी है लग रहा है कि कोई सोल्यूशन चाहिए, पोल्यूशन के लिए सोल्यूशन। तो इसलिए हमने ये पेपर में लिखा है कि क्या क्या है इस पोल्यूशन के एप्लीकेशंस, क्या क्या करना है, करने की चीज़ें जो हैं कई किस्म के होते हैं। दिल्ली शहर के अंदर हमारे पड़ोसी की भी कोई जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। ये सब लिखे हुए हैं, पोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, लेकिन कुछ एक्शन लेने की खास जरूरत है। मैं खुद एक पर्सनल कैपेसिटी में प्रोफेशनल्स कांग्रेस स्थापित होने के पहले एक MP के रूप में मैंने एक राउंड टेबल कन्वीन किया हुआ था इस साल जून में, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर आए हुए थे, कई एक्टिविस्ट आए थे, कई MPs भी, और हमने हेल्थ एनवायरमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लेके बोली कि देखिए देश के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान चाहिए, और ऐसे इस किस्म के पॉइंट्स हमने उनको भेज दिए। अब तक कोई एक्शन नहीं लिए। मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, काफी है। कोल सेस जो कहता है उसमें से मेरे ख्याल में 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपये उनके पास है, लेकिन पैसे खर्च करने को तय करना चाहिए, एक क्लियर कट पॉलिसी डिसीशन लेके जनता के इंटरेस्ट में पैसा खर्च करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, दोनों काम करना चाहिए। और हम लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अंदर से ये कहना चाहेंगे कि देखिए हम तो इसके बारे में सोचने के तैयार हैं, आप लोग सरकार है आप क्यों नहीं करते। ब्लेम गेम चल रहा कहीं ना कहीं दिल्ली में, देखिए एक्शन चाहे भी ब्लेम करने से क्या फायदा, हवा तो वो ही खा रहे जो हम भी खा रहे हैं, हमें बीमार होने वाला है तो उनको भी बीमार होने वाला है। ये तो हम सबके इंटरेस्ट में, इस पर राजनीति की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि देश के इंटरेस्ट में काम करें।